जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आप सभी के लिए काफ़ी लंबे समय से मतलब पिछले 1 साल से इंतज़ार था। तो दोस्तों इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए खुशखबरी देने वाला हूँ एक ऐसी भर्ती की जिसका आपके लिए पिछली 1 साल से इंतज़ार था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सोल्जर इनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2021। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में जो मिलिट्री पुलिस की भर्ती निकलती है उसकी नोटिफिकेशंस आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों कि इस भर्ती में आपको अप्लाई कैसे करना है, हाइट कितनी ज़रूरत होगी, आपकी भर्ती किस किस स्टेट के लिए है, और जो भी जानकारी है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया और हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया। अभी मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन से पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अभी सोल्जर इंडियन आर्मी में जो सोल्जर की भर्ती निकल रही है वुमेन के लिए, वो केवल जीडी के पदों पे निकल रही है, मतलब सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो इनकी एज लिमिट होगी दोस्तों 17.5 साल से 21 साल। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये हैज का निशान है। ये हैज का निशान यहाँ पर क्यों दिया गया है इसके लिए मैं आपके लिए डिटेल में ब्रीफ में बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस यहाँ पर कैटेगरी है, एज लिमिट होगी इनकी 17.5 साल से 21 साल, और इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दोस्तों 1 अक्टूबर 2019 से, सॉरी 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। तो जिन कैंडिडेट्स की एज लिमिट 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर जो गर्ल्स की भर्ती होती है इंडियन आर्मी में उसमें हाइट कितनी ली जाती है। तो हाइट ली जाती है दोस्तों यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट ली जाएगी, वेट आपका कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आर्मी में दोस्तों हाइट के हिसाब से एज के हिसाब से कुछ वेट तय किया गया है, तो उसके हिसाब से इनका वेट लिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी हाइट और जो एज है उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए कितने वेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन, द कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका चेस्ट यहाँ पर नापा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए जो एक्सपेंशन है मतलब सीने में आपके लिए हवा भर के जो फुलाना है वो 5 सेंटीमीटर तक आपका फूलना चाहिए। अभी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो इनके लिए वही सेम है दोस्तों जो कि जीडी में होता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक यानी कि 10th पास। ठीक है, और इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए 10th पास होना जरूरी है। 10th पास, 10th में आपके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज आपके 45 होना चाहिए, और आपकी जो किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपको 33% नंबर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों इनकी भर्ती के बारे में आपके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट एट द रेट करके इम्पोर्टेंट दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसकी जो ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है आर्मी का, इसके लिए मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस नोटिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये हैज का मतलब क्या है, मैं आपके लिए वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब है अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस। ठीक है, तो उन महिलाओं के लिए जिनके हस्बैंड किसी कारण से शहीद हो गए हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो 30 साल तक दी गई है, मतलब जिस दिन वो ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, उस दिन तक उनकी एज अगर 30 साल तक है तो वो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं हम, कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज स्टेटेड बिलो,
फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट आपका क्या होगा, वो ये है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि आपके लिए 7 मिनट 30 सेकंड में अगर आप पूरी करते हैं तो आप आएंगे ग्रुप वन में, ठीक है। और अगर वही रेस आप 8 मिनट में पूरी करते हैं तो आप आएंगे ग्रुप सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप वन के लिए दोस्तों जो होता है वो 60 मार्क्स होते हैं और ग्रुप सेकंड के लिए 48 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड से पहले 1600 मीटर की रनिंग को पूरी करते हैं तो आपके लिए 60 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 8 मिनट में पूरी करते हैं तो आपके लिए 48 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग जंप आपकी 10 फिट होगी, नीड टू क्वालिफाई, और यहाँ पर जिगजैग बैलेंस की जगह इनके लिए फिजिकल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हाई जंप भी होगी। वैसे आर्मी में हाई जंप किसी भी ट्रेड की भर्ती में नहीं ली जाती है, लेकिन ये जो वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती शुरू हुई है इसमें हाई जंप भी ली जाएगी। 3 फिट की हाई जंप होगी जो कि आपके लिए नीड टू क्वालिफाई करनी होगी, आपके लिए इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में है रिमार्क्स में देख सकते हैं आप, प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली ट्रेन्स इज एज अंडर। तो अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं दोस्तों तो आप 5000 फिट से 9000 फिट के बीच में अगर रहते हैं तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं समुद्र तल से तो आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से 10 सेकंड में अगर आप 10 मिनट में भी अगर आप 1600 मीटर की रनिंग पूरी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स इसके बहुत मेन मेन बता दिए। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी बोनस मार्क्स इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE, ठीक है। तो बोनस मार्क्स आपके लिए इस प्रकार से हैं, अगर आप डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडोज, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप इस कैटेगरी से किसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के विडो हैं तो आपके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे बोनस मार्क्स। NCC का आपके ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर NCC का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और आप पे अगर NCC का सी सर्टिफिकेट है तो आप पे जो है कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम आपका माफ कर दिया जाएगा, मतलब आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से ये नोटिफिकेशन दी हुई है, इसके लिए आप पढ़ लें। और अभी मैं चलता हूँ सबसे मेन पॉइंट पे कि ये भर्ती दोस्तों किस किस स्टेट के लिए है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है। और इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है दोस्तों 29 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में इसके जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों वो अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एडमिट कार्ड ये हो गया। उसके बाद में कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, ठीक है। रिक्रूटमेंट रैलीज आर प्लान टू बी कंडक्टेड एट अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड वेन्यू बेस्ड ऑन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। फाइनल लोकेशन एंड डेट द रिक्रूटमेंट विल बी गिवन ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जो आपका फाइनल रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर है वो आपके लिए एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बात मैं आपके लिए और बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया भर्ती है, इसमें दोस्तों क्या है पूरी इंडिया से आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों ये, यहाँ पर अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ यहाँ पर मैं दोस्तों आपको और भी बता देना चाहता हूँ, आप अगर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे इस तरह से तो आपके लिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे इसका जो नोटिफिकेशंस है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, ये जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होंगे दोस्तों इनके लिए आपके लिए क्या है साथ में लेके जाना है। तो चलिए दोस्तों
उम्मीद करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर